रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठाकर देखें तो इस मुल्क में, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन इसकी तारीख में सानहात की एक लंबी फहरिस्त है। सुकूत ढाका जाहिर है एक बहुत बड़ा सानहा, फिर अगर आज के हालात में बात करें तो और बड़े सानहात होते रहे। मई का महीना है तो हमें पता था 12 मई बड़ा मशहूर रहा और लोग कहते रहे 12 मई जैसा सानहा मुल्क ने नहीं देखा, लेकिन अब लोग ये कहने पर मजबूर भी हैं, आमादा भी हैं कि 9 मई जैसा सानहा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने नहीं देखा। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और बड़ी आज़ादाना तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, ये सोचे समझे बगैर के सानहे के पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि आपने सियासत को शायद आगे बढ़ा दिया लेकिन रियासत को दाव पर लगा दिया। कल रात को जो बयान आया है DGISPR का, वो मैं यहाँ कोट करना ज़रूरी समझती हूँ। DGISPR ने वाज़े अल्फाज में ज़ाहिर एक बयान दिया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई तकसीम नहीं है फ़ौज में और कोई इस्तीफे किसी ने नहीं दिए हैं और मार्शल ला का कोई सवाल पैदा नहीं होता। DGISPR ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी जो प्रोपेगेंडा फ़ौज के लिए किया जा रहा है, ये किसी का ख्वाब तो हो सकता है कि हम तकसीम हो, लेकिन हम तकसीम नहीं होंगे। लेकिन इस तकसीम की सियासत को किसने फ़रोग दिया, कौन बन रहा है आलाकार जो कि इस वक्त तक के हालात हैं उस पर। लेकिन मेरे प्रोग्राम में आप देखते रहते हैं, मैं जहमत देती रहती हूँ सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब को। फैसल रजा आबदी साहब ने मेरे पिछले प्रोग्राम्स में, क्योंकि काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लोगों ने मुझे भेजे और उन्होंने कहा, तो मैंने सोचा जब आज प्रोग्राम में वो शामिल हैं तो मैं पहले एक झलक आपको वो दिखाऊँ कि वो क्या कहते रहे, क्योंकि मेरी दानिश में तो वो इल्ज़ाम ही है। लेकिन अब जब मैं सानहा 9 मई देखती हूँ तो उसके तनाजुर में फैसला आप पर छोड़ती हूँ। पहले आप क्लिप देखिए। फौज में ग्रुपिंग करना जिसपे ये आजकल लगा हुआ है, कौन आपका हुक्मरान? तो ये दो सारे वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं। ना, ये ग्रुपिंग इसकी ये कर रहा है। जब तक फौज में ग्रुपिंग नहीं होगी इस रियासत को कोई नहीं तोड़ सकता। ये ग्रेटर इसराइल पे काम कर रहा है, ये पाकिस्तान में फौज को कमजोर करके यहाँ तालिबान टेक ओवर कराएगा। अनार्की में आप पहुंच चुके हैं, इसी ने पहुंचाया है, यही पहुंचाएगा, ये आगे फौज में धड़ाधूस हमले करेगा। और इसको मैं बता दूं, पूरा पाकिस्तान खामोश हो, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मैंने इस पर पूरी सियासत कुर्बान की। अगर तुम फौज से टकरे मैं मैदान में उतर के तुमसे टकरूंगा और तुम्हें पता चलेगा टक्कर देने वाला कौन होता है। फिर 10 साल बाद मैं मैदान में आऊंगा और फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि इस फौज के ऊपर हमला करने वाले का हम क्या अंजाम करते हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत में कोई समझौता नहीं करेंगे। फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? यही टेररिस्ट और टीटीपी मारा ना, टीटीपी ने मारा ना। फौज के बयानी है कि टीटीपी हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीटीपी के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमरीका ने छोड़े, इसने छोड़े, इमरान खान ने हजारों की तादाद में। उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे, वो तो बताया था आपने, याद है आपको? अपने लोगों की हिमायत करना चाहिए। इसलिए करता हूँ कि मैं 2010 में ही जान गया था कि इन द एंड ऑफ द लास्ट आपने इसी फौज के साथ खड़े होकर इस सेक्टर से लड़ना है। इसलिए मैंने हिमायत की, उनकी लाशों को अहमियत दें, उनके शहदा को अहमियत दें, जरूरत है। हमने आखिर में यही खड़े होना है, तो जब हमने 10 साल बाद खड़े होना था 2010 में खड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक है। और मुझे एजेंट का, तो अब ये एजेंट तुम गली गली कूचे कूचे करते हुए नजर आओगे, ये एजेंटी नहीं, ये फर्ज है। बिल्कुल, अपनी अफवाज के दिफा करना और उनके साथ खड़े होना हम सबका फर्ज है। बिल्कुल, ये इस जंग में ये मर्दों का मैदान सजने जा रहा है, गिटार वालों का नहीं। ये याद, ये 2022 की बात है, सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब आए थे, उन्होंने ये दावा किया था, लेकिन वाकई हमने देखा कि अफवाजें पाकिस्तान पर जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हमले किए गए, फिर बराह रास्त जो हमला किया गया को कमांडर लाहौर के घर पर, फिर GHQ के ऊपर जो दरवाजे पर हमला हुआ है, इसी सब तनाजुर में बात करने के लिए और ये साजिश वाकई साजिश है भी या नहीं इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल रजा आबदी। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया फैसल साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। ये क्लिप मुझे इसलिए दिखाना पड़ गया कि ये वायरल काफ़ी हो रहा है, लोग आपको भी यकीनन कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होंगे। मुझे ये फरमाएं कि ये सानहा 9 मई जब हो रहा था तो आप भी इसी शहर में होंगे, यहाँ बैठे होंगे, टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, ये क्या था सानहा 9 मई आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया मेरी मोहतरम बहन, आपने मौका दिया। आपको बताऊँ कि बड़े पहाड़ टूटे हम पे 15 साल मुसीबतों के, छापों के, जेल में, मतलब छोटे से पिंजरे में 4 महीने रखा गया, जहर दिया गया जेल के अंदर, सब कुछ हुआ, लेकिन इतनी उदासी नहीं हुई जो 3 दिन से ये उदासी है। ये अल्लाह जानता है कि ये जो हुआ है ना, वो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने इसको खोलूँगा क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुका जी।
मुझे इस बात पे ज्यादा हैरत, इसलिए है कि 18 मुल्कों के अंदर हमारा अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करता है FRA का, और हम होमलैंड सिक्योरिटी हो, CIA हो, मोसाद हो, रा हो, उनके बिल्कुल गले के ऊपर मौजूद होते हैं। जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ आती है, हम एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं आज चाहता था कि गुज़िश्ता अदालत के एक फैसले पे एक मेरा केस जिंदा हुआ उस तरफ आना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा गम बहुत छोटा, ये रियासत का गम है। बिल्कुल दुरुस्त। और दूसरा उसकी वजह ये भी उस तरफ ना आने की आज कि आप फेस नहीं कर पाएंगे, आपका चैनल फेस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, आप पे पाबंदी लग जाएगी। लेकिन बहरहाल बुरे वक्तों में आपने साथ दिया था, आपको कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। जिम के अंदर मैं, चूंकि मैंने खुद ऐलान किया था कि 10 साल बाद मैं मैदान में उतरूंगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल जी, मैं FRA रिसर्च सेल को अहकाम जारी करता हूँ कि फौरी तौर पर वॉइस ऑफ शहदाए पाकिस्तान का परचम आवेजा कर दिया जाए। अच्छा। आज से हमें मैदान में तसव्वुर किया जाए, हर मैदान में मौजूद होंगे अमलन। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को कराची प्रेस क्लब में शाम 5 बजे वॉइस ऑफ शहदाए पाकिस्तान अपने रोड मैप का ऐलान करेगी। बड़ी बात है, जा रहे हैं फैसल रजा आबदी साहब। बिल्कुल, हम मैदान में आ गए, वादा किया था ना कि 10 साल बाद आएंगे, हम पूरे 10 साल बाद आए, 10 साल बाद मैदान अमल में होंगे। परचम आवेजा करो, वॉइस ऑफ शहदाए पाकिस्तान निमटेगी। और उसका काम क्या होगा? जमहूरी मार्शल्ला, जमहूरी मार्शल्ला। आपके ISPR कह रहे हैं मार्शल्ला नहीं लगेगा, हमने कब कहा आप मार्शल्ला लगाएं? जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहते हैं, और जमहूर की मंशा ने अगर ये पाकिस्तान आपके हवाले किया तो तारीख का मौर्रख इसको जमहूरी मार्शल्ला के नाम से याद करेगा इंशाल्लाह। मुकाबला किससे, ये तो देखो यार, आप कोई कंटुट्टो से थोड़ी है, आप ये हुआ क्या है, जरा इस तरफ आते हैं ना। मैं आपसे ये पूछूं कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, आपकी दानिश में ये क्यों हुआ है जनाब? इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से? ना, इसको गौर से तफसील से सुने आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये क्या हुआ है, एक होता है अंदरूनी खतरात, एक होते हैं बैरूनी खतरात। ठीक हो गया। अंदरूनी खतरात थे आपको 30%, बैरूनी खतरात थे आपको 70%, जिसपे 17 मुल्क सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग करते थे। लेकिन एक भरम की फसील थी सामने उसके, वो उससे टकराते थे गिर जाते थे, टकराते थे गिर जाते थे, वो थी अफवाज पाकिस्तान। दर हकीकत 9 मई को ये भरम की फसील को तोड़ दिया गया, आलमी ताकतों के आगे हमें कमज़ोर शिकार बना के पेश कर दिया गया। मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि भरम की फसील को दोबारा तामीर करने में हमें अपने खून के गारे से इसको तामीर करना पड़ेगा, बेशुमार लाशों के सही साथ। कह रहे हैं आप ऐसे, और इसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, वो जो हिंदुस्तान हमारी आल औलाद, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त है, आर रेडी। हमने पहले ही लाखों लाशें दी हैं, एक तरफ लाखों लाशें देने वाले पुरम ने एहतजाज करके पाकिस्तान का क्या चेहरा पेश करके गए, और एक तरफ इकतदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को नजर आतिश कर दिया गया। अहले लाहौर को मैं आपको बताऊं कि आप जिनको अपने कंधे पर सवार करके लाए थे, खुदा की कसम मकाफात अमल की तहरीर को आसमान पर पढ़ो, यही दहशतगर्द तुम्हारी अमलाक को भी लूटेंगे, बिल्कुल इसी तरह उसको जलाएंगे भी, इसके जिम्मेदार तुम लोग। और ये फेल क्यों हुआ, इस तरफ आते हैं, फेल भी हुआ है। अच्छा। मौखिर हो गई, ये आलमी जंग मौखिर हुई है पाकिस्तान में, ये आलमी जंग के आगाज का दिन था पाकिस्तान में, और इसके लिए तायुनी ये किया गया था कि इसकी गिरफ्तारी, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों में गुज़िश्ता 3 साल से जी उर्दगान दिखाया जा रहा था, टर्की के अंदर आवाम का रिएक्शन दिखाया जा रहा था, जिसमें फौज की गाड़ियों पे और फौज पे हमले किए जाते थे, उसको 3 साल का जो माइंड मेकअप किया गया था उसका अमली नमूना आपको 9 तारीख को सामने आया, जिसका माइंड मेकअप किया गया आवाम में, जलसों में बार बार। अच्छा। बार बार माइंड सेट बनाया गया। इसका मकसद ये प्लान था, आलमी ताकतों ने प्लान कर रखा था, और इसकी जो डेडलाइन थी वो थी इसकी गिरफ्तारी, जो इसे बार बार कहता था हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है। दर हकीकत इसके अंदर आवाम भी थी, लेकिन 60% तालिबान दहशतगर्द भी मौजूद थे, जिसको इन्होंने जेलों से छोड़ा था, जो मैं चीख चीख के मरता रहा, ये सुन सुन के मजे लेते रहे। तो सुन के फिर यही होता है ना कि अंजाम, सुनिए सुनिए, एक तो ये फेल हुआ, कैसे आलमी साजिश आप कह रहे हैं, कैसे फेल हुई, आप क्या समझती हैं कि इसको किस तरह फेल किया गया? इसको एक वॉइस डिसीजन लिया आपके आर्मी चीफ ने, बिल्कुल ये उनके एक तल्ख फैसले के सबब मौखर हो गई, बहुत खत्म नहीं हुई तरफ ले आए, क्योंकि मैं आपसे सवाल यही करने वाली थी, खत्म नहीं हुई ये जंग तो होनी, लेकिन एक बुर्दबार फैसले ये ने तो मेरे मौला अली का कॉल है, जमाना आखिर की जंग ही वादी सिंध में होनी है, यहाँ के दरिया इंसानी खून में तर होंगे 7 बार, ये तो होनी है, मौखर हो गई। मौखर होने की 2 वजूहत हैं, एक
आर्मी चीफ का वाइस डिसीजन, यस, उनको एक तल्ख फैसले का वक्त था, बहुत ज्यादा। और मैं आपको सही बताऊं, मेरी कैलकुलेशन में नहीं था कि वो ये फैसला लेंगे। अच्छा, मैं भी हैरान रह गया। अच्छा, दो वजूहत की वजह से। बड़ी बात है कि आप हैरान रह गए। मैं हैरान था कि उन्होंने एक तल्ख डिसीजन ये लिया कि गोली नहीं चलानी। नहीं, गोली क्या, किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। लिसन, आप ये पाकिस्तान में मिसपरसेप्शन को किल करने के लिए ही मैं मीडिया पे मौजूद हूँ। सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पे रिएक्शन नहीं दिया। जाइलो, आंखें खोल के देखो, ना कोर कमांडर हाउस पे दिया, ना मियांवाली पे दिया, ना जीएसयू पे दिया, ना सरगोधा पे दिया, ना चकदरा पे दिया, ना मर्दान पे दिया, ना पिशावर पे दिया, ना मालाकंड पे दिया, ना अपरदीर पे दिया, कहीं नहीं दिया। स्वाद भी, उसकी वजह यह है कि अगर ये गोली चलती आर्मी की तरफ से तो ये प्रोटेस्टर को नहीं लगती, ये पाकिस्तान की सालमियत के कल्प पे लगती और यहीं से आलमी जंग का आगाज हो जाता। सही कह रहे। नंबर दो, सलाम है बानियाने पाकिस्तान कराची वालों, बेशुमार जख्म खाए तुमने, बेशुमार लाशें उठाई, बेशुमार जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन इस इमरानी फितने को रद्द करके तुमने और फौज का साथ दे के बानियाने पाकिस्तान की औलाद होने का सबूत दे दी। यू मीन के कराची बाहर नहीं निकला, कराची हाइट ग्रेट। Okay. सलाम है। This is, सुने, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आ रही हूं, लेकिन जिस दर्द का इजहार आज फैसल रजा आप भी कर रहे हैं, मैं खुद हूं, लेकिन बाकी दुनिया ये हैरान है कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है इसका तो बहुत शिद्दत से रद्द अमल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जो तब्दीली के नारे लगा रहे थे वो तो क्या तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन जो सोच और समझ और तदब्बुर की तब्दीली है वो भी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। लेकिन शायद इससे बड़ा अहम सवाल छोड़ के जा रही है और वो आकर इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में दोहरे निज़ाम इंसाफ की भी अब आवाज़ें सुनने को हमें मिलती हैं। जरा सा इस पर बात करते हैं और सियासी जमातें अब किस जानिब आगे बढ़ सकती हैं इस पर, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। जो कुछ हुआ है 9 मई को वो तारीख का हिस्सा है। आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि खुदा करता कि ऐसा दिन ही ना आता कि हम ये दिन देखते, लेकिन बहरहाल वो दिन आया भी, लोगों ने देखा भी, और हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सेंटर फैसल रजा आप भी आज कुछ चीज़ों का इजहार कर रहे हैं, कुछ खदशात की बातें पिछले सालों में भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये बातें हमने पहले की थी, लेकिन हुकूमत जो है फैसल रजा आप साहब वो गिरफ्तारी के दर पे है इमरान खान की, ये तेरा नहीं हो पा रही। देखें, इमरान और उसके हवारियों ने तो जो किया वो किया, लेकिन इन 13 जमातों की मुनाफकत भी इस सहने की बराबर की शरीक है। आप गौर करें, झगड़ा तुम्हारा किससे था? नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी से, फजल रहमान साहब से। हाँ। उनके हजारों घर थे, उनके वजीरों के घर थे, किसी घर पर हमला नहीं हुआ। हमला तो तमाम शहरों में सिर्फ फौज पे हुआ है। वैसे उन पे भी नहीं हमला होना चाहिए था, लेकिन ये ना। हाँ। ये आलमी एजेंडा था, निशाना सिर्फ फौज है ये नहीं, इनकी खामोशी थी, इनको फेस करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था, ये कहाँ गायब थे? आवाम को फेस करना तो इनका काम है। आर्टिकल 245 तुमने दो सूबों में लगा लिया, बिल्कुल लगा। आप तो कह रही थी नहीं लगेगा, मैं आपसे कह रहा था कि मैं लगा के दिखाऊंगा। हाँ। तो बाकी दो सूबों में भी रोका हुआ है, मैं इदारे से दरख्वास्त करता हूँ इधर भी लगाएं। इधर भी रोज की जिंदगी हराम और जीना हराम हुआ हुआ है, रोज की लूट मार मची हुई है, बेड़ा गरक हुआ हुआ है यहाँ पर। हमें बराबरी का सलूक करें हमारे साथ, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आपके वफादार लोग हैं। नंबर दो, सैकड़ों लाशें थी कराची में, हजारों लाशें थी। देखें, लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए, तो आलू, मूली, गाजर, प्याज, चावल, टमाटर, गंदम, इनकी कीमतों पे फर्क पड़ सकता है। अगर कराची बंद हो जाता, जो आलमी इदारों की कैलकुलेशन थी हमारे नजदीक जो हम तक पहुंची कि यहाँ हजारों लाशें हैं जिसका सबब इदारा था कराची में, ये लाजमी उठेंगे इसके अंदर और ये कराची को फूंक डालेंगे, लेकिन बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने बिल्कुल वो उनका रवैया रहा जो पाकिस्तान के लिए डिजर्व करता है, जो उनके बुजुर्गों की कुर्बानी है। हमने बनाया है मुल्क, हमने, हम ही बचाएंगे। तो कराची से उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे इम्तिहान बहुत आएंगे। अच्छा, पूरी ताकत के साथ, फौज के साथ खड़े रहना है। एजेंट है हम, हाँ एजेंट है। चलो, एजेंट जो होते हैं वो तो वजीर बने बैठे सारे। हम 12 साल से 4 बार जेले भुगत के, जहर खा के, जहर खिला के, पूरी सेहत तबाह कर दी गई हमारी, आज तक सेहत कंप्रोमाइज है मेरी। जेल में जो कहता है ना, मुझे जहर दिया, इसने मुझे जहर दिया। किसने? आपके हुक्मरान ने। कौन से? इमरान खान ने। ये जो क्लिप आप दिखा रही हो, उस वक्त ये वजीर आजम था जब मैं बता रहा था। मेरी बात सुने आप गौर से, मकसद क्या है, क्यों हुआ ये?
मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ ने आने के बाद 2.5 महीने बाद अपने पोस्ट संभालने के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, खोलने का फैसला किया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इज्जत की आमदनी के साथ पाकिस्तान का रुख करना शुरू किया। ठीक है, 52 अरब डॉलर को जब वो कामयाबी से सर कर गए और 437 अरब डॉलर को वो चेज कर रहे थे, हर सूरत उनको रोकना था, उनके इस अमल को बर्बाद करना था, इसलिए सही वक्त चुना गया। सुनिए सुनिए, गौर से सुने, इसके लिए लाजिम था कि इनको मुतनाज़ा बनाया जाता, इस अमल को रोका जाता, पाकिस्तान को ख़ुद किफालत के अपने पाँव पे खड़े होने से रोकने के लिए लाजिम था कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना के इदारे के अंदर बगावत उलझा के और पाकिस्तान को तालिबान से टेक ओवर करा देना था, जिसके बाद ईरान से जंग लड़ी जानी थी। तो मैं आलमी फार्मूला आपको बता चुका, ये भी बता चुका, इस जिम में 3 लोगों की कुर्बानियाँ होंगी शदीद, पहला फौज, नंबर 2 शिया, नंबर 3 हर वो शख्स जिसके पास पैसा है। आप गौर करें, पाड़ा चनार में 7 असाज़ा के सर काट दिए, ज़िबा कर दिया, बहुत थी, मैंने पिछले और ये बेगैरत सियासतदान जो अपने इख्तदार के लिए धरने और रैलियां लेके निकले हुए, इनमें इतनी गैरत नहीं थी कि जाके वहां ताजियत करते, ये हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं। और पाड़ा चनार वालों तुम भी सुनो, ये आते हैं ना तो तुम इनको कंधों पर लेके घूमती हो तो ये तुम्हारे पे क्यों आएंगे ताजियत करने, कुछ तुम भी गैरत पकड़ो ना, ऐसा नहीं करो ना, अब तुम उन पे एतबार करो जो तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां खड़े हुए आज भी आकर, जो लड़ रहे तालिबान से, जो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े, अगर ये दीवार टूट गई तो पाकिस्तानियों ये याद रखना गैरत अभी महफूज नहीं रहेंगी, तुम्हारे सामने तुम्हारे कंधे अपने कंधों पे डाल के ले जाएंगे। ये दहशतगर्द हमने हर चीज को क्रॉस, आर्मी चीफ को मैं एक बार फिर तमाम शोहदा पाकिस्तान के वारसीन की तरफ से गारंटी देता हूँ, तन मन धन से साथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 गलतियां हो रही हैं। अच्छा, वो क्या है और कौन कर रहा है, पहले तो ये बताएं कौन कर रहा है वो गलतियां। बस जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, मैं तो बता देता हूँ, वो खुद देख लें कौन कर रहे हैं। पहली चीज कि दज्जाल का कानून चल रहा है, एक आवाज को राइज किया जा रहा है, उर्दगान उर्दगान मुजीबुर रहमान उर्दगान मुजीबुर रहमान, ये मुजीबुर रहमान इसलिए बताया जा रहा है इलेक्शन में अगर हार गया तो इसने कबूल नहीं करना, ठीक है, उर्दगान इसलिए बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम मारो फौज पे, माइंडसेट बनाया जा रहा है, नहीं माइंडसेट क्लियर सामने आ चुका। नंबर 2, एक आवाज मुसलसल चल रही है इसकी और इसके हवारियों की, एक आवाज मुझ जैसे की मुसलसल दबा रखी है पीटीए ने तमाम सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करके, नहीं मूव होने देते हमारी पोस्ट को, तो ये इदारा देखे ना ये क्या हो रहा है, अगर एक आवाज चलती रहेगी तो वो तो फिर मालिक कुल बन जाएगी, काउंटर आर्गुमेंट नहीं है, आप दलील की जंग को दलील से लड़ें, सही हो, याद रखें अगर दलील को आपने जोर ताकत दबाने की कोशिश की दलील नहीं दबेगी, इतनी ताकत रखते हैं कि इनको दलाइल के साथ मुनाजरे का चैलेंज है, पीटीआई वालों आओ किस चीज की लड़ाई है, आओ मुनाजरा करते हैं, अगर मुनाजरे में मैं जीता तो मुल्क में वो होगा जो मैं चाहूंगा, कानून के मुताबिक चलेगा मुल्क, जो वाइस ऑफ शोहदा का पहला असूल है, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। नंबर 2, इस आवाज को खोलें, ठीक है, ग्राउंड न्यूट्रल करें, आप ग्राउंड न्यूट्रल करके पीछे हटे हम देखते हैं। नंबर 2, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि चोर का एहतसाब कभी चोर नहीं करेगा, ये 13 ठगों की बारात जो है सारी जिंदगी इन्होंने लूट के खाया, अगर ये उसके करप्शन के मुकदमात, वो मुकदमात जो फॉरेन फंडिंग जो मैंने लाया, जो तोशा खाना का मैंने ये एस्टेब्लिश किया, वो भी डिक्लाइन कर गया सिर्फ इस वजह से कि ये ठगों की बारात उसका एहतसाब कर रही है, इसका मतलब ये सही केसेस नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, नहीं ये कर ही नहीं सकते ना, ये भी तो चोर है, ये कौन सा शरीफ और पारसा लोग हैं, ये जो कहते हैं हमने जेलें काटी, इन बेगैरतों से पूछो सिर्फ इतना बताओ किस इल्जाम में काटी, ठगी के माल पे काटी, जमहूरियत या पाकिस्तान के लिए नहीं काटी, हम पर नहीं रख रहा ये तुम ये इल्जाम कि तुमने जमहूरियत या पाकिस्तान, वो बेनजीर भुट्टो के दौर थे शहीद के जो कटते थे जमहूरियत के लिए, उसके बाद जितनी जेलें काटी जितने तुम पे मुकदमात बने वो ठगी के माल के बने। नंबर 2, आप इसका एहतसाब करें मिलिट्री कोर्ट में, तमाम करप्शन का इल्जाम एहतसाब मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, पाकिस्तान में फौज दुनिया में पहले नंबर पे सलाम फंग और नीचे फंग करने के लिए नहीं है, अपने निजाम इंसाफ के लिए मशहूर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये जितने दहशतगर्द पकड़े गए इनका एहतसाब इनका इंसाफ मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, इन्होंने मिलिट्री प्रेमिसेस में हमले किए हैं, इन अदालतों में नहीं, जिस तरह 22,000 दहशतगर्द 1,00,000 पाकिस्तानियों के मारे हुए छोड़ दिए गए, यहां से ये भी छुट जाएंगे। नंबर 3, जब तक ये 13 चेहरे इसका मुकाबला कर रहे हैं जी, यही जीतेगा, 5 साल बाद हो 2 साल बाद हो, कोई नया चेहरा आ गया ना, हाँ। इसको ऐसे निगल के खा जाएगा जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को निगल के खाता है, ये 13 चेहरे इसके आगे नहीं चल पाएंगे, ये माइंडसेट
राइज हो चुका है पाकिस्तान, यानी वोट अगर वोटिंग इलेक्शन की तरफ जीतेगा, अगर ये 13 ने मुकाबला किया, इन 13 के होते हुए तो मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ, जहाँ 13 चेहरे नजर आते हैं वहां तो 200 मील दूर से रहमत के फरिश्ते ही पलट जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हम किसके पास जा रहे हैं। अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बता दो नया चेहरा कौन है? जो भी हो, आवाम तो नजर नहीं आ रहा भाई। देखिए सरफेस पे भी तो कोई चीज नजर आनी चाहिए ना, सरफेस पे तो कोई चीज नहीं है। 13-14 जमाते तो ये हैं। हाँ ठीक है, एक ये खुद है, ठीक है, इसके इलाही हैं। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं मुझे तो नजर, आप बताएं तो ना, बस फिर मार्शाला लगाते ना, 15वां चेहरा ही नहीं है तो मार्शाला लगवाते, फिर हम उनको क्यों ना दें पाकिस्तान, जिनके बारे में हमें यकीन है कि जब तक ये मौजूद हैं ये दहशतगर्द हमारी इज्जत गैरत माल मुमलिकत के ऊपर हाथ नहीं आ सकता। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, एक नंबर। लेकिन मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अच्छा चलिए, एक तो आपके ब्रेक बहुत है सर, क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जो नक्श अमन हुआ, जिस तरह के हालात पैदा हुए, अब मैं फैसल रजा आबदी साहब से अगले सेगमेंट तकरार के साथ करना चाहूंगी इसका वे फॉरवर्ड। देखिए माशाल्लाह की बातें हम सुन रहे थे, कल भी काबीना के अंदर बात करने की बात हुई, नहीं उसको कहा गया, मौलाना फजल रहमान साहब धरना देने चले जाएंगे पीर को, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे, इस सब का, इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या इमरान खान साहब को इस वक्त इंगेज करना जरूरी है कि नहीं, उनसे बात करना जरूरी है? क्योंकि उनके मुताबिक तो रेड लाइन क्रॉस हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो रेड लाइन क्रॉस हुई है इसको कैसे वापस लाएंगे इमरान खान साहब, इसका जवाब लेते हैं सेंटर फैसल रजा आपकी से। वेलकम बैक, हम ब्रेक पर थे, लेकिन कुछ ज़ाहिर है जब कराची की बात हो रही है तो उस हवाले से, लेकिन आपने देखा होगा फैसल रजा आबदी साहब, यहाँ पीपल बस सर्विस जो है उसको भी आग लगा दी गई, फिर बताया जा रहा है लोगों की जानिब से कि 8 करोड़ मालियत तक की एक बस थी, जाहिर है उसको अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया इस तरह से। पहले तो मैं आपको बताऊं, इस बस की जो एक्चुअल मालियत है ड्यूटी देने के बाद, इस पर 1% ड्यूटी है। अच्छा ओके, ये है 2,15,00,000 रुपए की बस, 20,00,000 रुपए इंपोर्टर ने भी रख लिए, 2.5 करोड़ की बस हो गई, बाकी 5.5 करोड़ रुपये फी बस इसी वजीर की जेब में गए। ये 16-17 अरब रुपये का जो ये स्कैंडल है, अगले प्रोग्राम में पूरे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ पेश करूँगा मैं आपके पास। चलेंगे, बात रहने, इसलिए कि मैं इलेक्ट्रिकल बसेस के ऊपर कंसल्टेंट था। ठीक है ना, ओके चलें इसको। अच्छा नंबर दो, मैं जरा वाइंड अप करूं इसको, देखें मेरी बात सुने, ये चीज तय है कि दो फैसले थे आर्मी चीफ के हाथ। ओके, या तोहीन को, आलमी तोहीन को, पाकिस्तान में तोहीन को अपने सीने से लगाते या रियासत बचाते। आर्मी चीफ ने तोहीन को सीने से लगाया और रियासत को बचा लिया। मैं इस तोहीन को अब शोहदा के वारसीन के साथ धोके दिखाऊंगा। ठीक है नंबर दो, ठीक है, हम दुनिया में आते हैं, हमारा मोटो क्या है? औलाद, हर आदमी अपनी औलाद के लिए जीता है, उसके मुस्तकबिल के लिए जीता है, उसके मुस्तकबिल को बनाता है, उसको संवारता है, उसको चलाता है, उसको आगे लेके जाता है, क्योंकि वो उसकी नस्ल है। इसीलिए ना ये लूट मार, ये रिश्वत सतानी, ये हराम माल, ये आमदनी किस लिए की जाती है? इनको बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए। तो मैं पाकिस्तानियों से आज पूछता हूँ, ये लूटने वालों के, ये आग लगाने वालों के ये चेहरे तो देखो ज़रा गौर से, तुम्हारे अरीब करीब थे, और रसूल खुदा की उस निशानी पर जाओ जो खारजियों के हलिए बताए थे, तुम खारजियों के साथ चल रहे हो, तुम सोचना कि कब्र में तुम जाओगे तो तुम अपनी ये औलाद को किस माहौल में छोड़ के जा रहे हो, पाकिस्तान में तुम कब्र में भी नहीं जी पाओगे। खुदा का नाम लो, इसकी तहजीब सकाफत और माशरे को जिंदा करो, पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानी बन के चलाओ, बिल्कुल जरूरत, वो किरदार अदा करो जो कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इनको जो दहशतगर्द नहीं कह रहा वो ही सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द क्या होते हैं? दहशतगर्द सिर्फ कराची वाले होते हैं, दहशतगर्द सिर्फ लालू खेत वाले होते हैं, दहशतगर्द के नाजमाबाद वाले होते हैं, दहशतगर्द एआरवाई को आग लगाने वाले होते हैं, दहशतगर्द वो होते हैं जो दहशत पैदा करे पाकिस्तान की आवाम में, जो कानून चिकनी करे उसको दहशत कहना चाहिए, इस फार्मूले को खत्म करना चाहिए। फार्मूले का आगाज कहां से हुआ? इन अदालतों में जब तालिबान दहशतगर्दों को लाके खड़ा किया जाता था तो यही जज कहते थे, तो बड़ा मासूम लगता है शक्ल से, वही अल्फाज आज भी थे कि तो मासूम बच्चे थे, मतलब हमें लाखों लाशें दे दी तुमने यहां शहर में, और वो दहशतगर्द नहीं, हम दहशतगर्द, बानियाने पाकिस्तान दहशतगर्द। जब हमारे बुजुर्ग ये मुल्क बना रहे थे कुर्बानियां देके, तुम्हारे बुजुर्ग लुंगियां पहन के उस वक्त भी मछलियां पकड़ रहे थे, हमसे पूछो पाकिस्तान कैसे बना, हमने बनाया है पाकिस्तान और इसको बचा के दिखाएंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था 25 करोड़ आवाम को फौज बनाऊंगा, आज से काउंट डाउन शुरू करो, साल के अंदर अंदर आलमी ताकतों को दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में फौज कितनी है, और यह भी वादा किया था दहशतगर्दों
शाम और इराक की शिकस्त भूल जाओगे, इतनी मार मारूंगा यहाँ पे, बिस्मिल्लाह तैयारियों का आगाज किया जाए। ये इम्पोर्टेंस है, मैदान में मुकाबला होगा। इस बात की अहमियत अपनी जगह मौजूद है कि जो रियासत बचाई है अफवाज पाकिस्तान ने, इस पर सलाम पेश करना चाहिए। और जो ये टर्मिनोलॉजी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि ये कही गई है दहशतगर्दी, और वाकईतन मुल्क में दहशतगर्दी के, मैंने कहा ना, सानियात से भरी पड़ी है तारीख, लेकिन ये खुली दहशतगर्दी थी जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए और बार बार कहा जाना चाहिए कि ऐसी दहशतगर्दी को मुल्क में फरोग नहीं देने दिया जाएगा। अच्छा, एक जो दो चीज़ें मैं सेंटर फैसल अजाबी साहब आपसे पूछना चाह रही थी, एक तो ये मुझे ज़रा फरमाएं कि जो बातें आप यहाँ पर बैठ कर करते हैं, और उसका ज़ाहिर एक पूरा माजी भी है, हम काफ़ी अरसे से प्रोग्राम आपके साथ करते हैं, आपको जहमत देते रहते हैं, आपकी इन सारी बातों का किसी किस्म का कोई किसी और जगह से ताईद, या आपकी बात को ये कहना कि हाँ कि उन्होंने साहब ने कही है, मैंने कहीं सुना नहीं है ऐसा, क्यों? 1400 साल से ही मसला है, जहाँ मेरा नाम लेते हैं ना इनकी ज़ुबान पे आते हैं, वहाँ इनके निकाह टूट जाते हैं, सबसे बड़ा मसला। आप इतने ख़तरनाक हैं? मेरा नाम सैयद फैसल रजा आबदी, आप सैयद और आबदी हटा दो, कोई इशू नहीं। चलिए, किसी और रोज़ इसको मैं इस पर बात कर लूँगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब अब जिस पोजीशन पर चले गए हैं, क्योंकि ये तो मतलब रेड लाइन ही थी ना कि आपने हमला करवा दिया, अब वो साबित हो नहीं हो, वल्लाह आलम बिसवाब, तालिबान टेक ओवर इसी के हाथ में, वो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक मिनट ना, अब इस इन हालात में इमरान खान को एक कदम पीछे जाकर, मैंने सुना है ये नैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, लोग कह रहे हैं इन्होंने मजामत की है और अब ये बैकडोर जो है वो डील भी कर ले। ये जो बार बार कहते हैं ना मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मैं आपको ये गारंटी से, मेरी रिसर्च कन्फर्म करती है, इसको शहादत नसीब ही नहीं होनी, इसकी जब भी मौत होगी कोकीन की हैवी डोज लेने से होगी, आप बेफिक्र। नहीं, मुझे ये तो बता के जाए, इनसे बात करें, इनको इंगेज करना ज़रूरी है इमरान खान साहब को। कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे। जो कानून कहता है कानून पे सख्त, कानून ही बदमाश है, लिख दो या वर्दी पे, कानून सबसे बड़ा बदमाश है। देखो कैसे सही, सुने, मैं फैसल रजा आबदी कराची एयरपोर्ट पे पान भी फेंकता हूँ, सिगरेट भी फेंकता हूँ, पीक भी मारता हूँ, लेकिन डेढ़ घंटे बाद जब मैं दुबई पर उतरता हूँ तो उगलदान तलाश कर रहा होता हूँ, वजह के आदमी तो मैं वही हूँ, कानून की नहीं। मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ है भाई, जो कानून कहता है उसके मुताबिक अमल करें ना। देखें, इसके साथ जो स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई उसी पे मैं जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी अदलिया जो नीचे से चौथे नंबर पे ना, ये फेरिस में भी लाने लायक, आलमी अदालत नहीं छोड़ेगी इनको। अब चले, आप वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जुमेरात को कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब क्या चीजें याद रखिएगा, दो चीजें याद रखिएगा, ये है इख्तदार की जंग। अच्छा, ये इख्तदार की जंग है, ये बैठे हैं, वो धरना दें, फला दें, ये सारी अपनी कोशिशें कर लें, आखिर में मैं आऊंगा, आप बेफिक्र। आप आखिर में आए, पहले आए सर आंखों पर आए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इमरान खान साहब को एक कदम पीछे हटना, वो आपको नजर आ रहा है कि वो एक कदम पीछे हटेंगे, अपॉलोजी करेंगे, गलत हुआ, GHQ पे हमला नहीं होना चाहिए था, कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला नहीं होना चाहिए था, मियांवाली में ये नहीं होना चाहिए था, स्वात में नहीं होना चाहिए था, दीर में नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजों के लिए एक शर्त लाजिम है, खून में गैरत होनी चाहिए, अगर गैरत हुई तो उसको करना चाहिए, इसी पाकिस्तान ने इसको ये मुकाम दिया, इसी पाकिस्तान ने इसको ये रुतबा दिया, और ये तमाम एंकर इसको वली अल्लाह बना के पेश करने में मुलविस रहे हैं, तो बाद में पर्दा हटा तो ये इनकी काबिलियत थी इन एंकरों की, कि ये लीडर तलाश करने में भी इतने नाकाम हुए। मेरी बात सुने, कानून के मुताबिक अमल करें, सजा जो बन, सजा और जजा के अगर कानून पे आपने नहीं चलना तो फिर सबको आजाद छोड़े ना, फिर मैदान में जो वही होगा, जो ताकतवर होगा वो बादशाह होगा। अच्छा, ओके, आपने जंगल का कानून लाना है या कानून की हाकमियत चाहते हैं? कानून की हाकमियत, गिरफ्तार करें किसको? इसी को, इमरान खान को। बिल्कुल, आपने देखा नहीं 3 दिन पहले क्या हुआ? इसका नाम अल्ताफ हुसैन रख दे, खत्म बात, दैट्स ऑल। कैसे होता है गिरफ्तार, 5 मिनट में पता चलेगा, फिर आपको रखे इसका नाम अल्ताफ हुसैन, इमरान खान उर्फ अल्ताफ हुसैन। लोग कह रहे हैं हम अपने नाम के आगे उर्फियत लगा लेते हैं इमरान खान। नहीं नहीं, इमरान खान, इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ अल्ताफ हुसैन, फिर ये लिखें, देखें कैसे होता है काम। बैंकर, आप कह रहे हैं गिरफ्तार करें इनको, बैंड करें इनको चाहिए, ये किसने कराया है सब कुछ, ये किसने माइंड मेकअप किया? मैं आपको ये पूरा फार्मूला बताता आ रहा हूँ कि इसने अपने जलसों के अंदर वो पूरा माइंड मेकअप किया। मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे लोग पहुंच गए। अर्दोगान मैं बताता था, ये फौज में हमले मैं बताता था, ये बगावत में मैं उकसाता था, कैसी बातें कर रही हैं आप? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ ले, पूरी दुनिया इसको जिम्मेदार करार दे रही है, इलावा आपके चंद सहाफियों के। अच्छा, सहाफियों को भी छोड़ देना, अब आप वो भी छोड़ दें, चले चले, अब अदालत भी छोड़ दें, सहाफी भी छोड़ दें, तो फिर आलू भुट्टे प्याज की बात करते हैं आप? नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने अभी कहा कि क्या नाम रखे उनका, इमरान खान उर्फियत जो भी है, अल्ताफ हुसैन, तो अल्ताफ हुसैन के साथ क्या ज्यादती हो गई आपको लगता है? नहीं हुई नहीं, देखे मेरी बात सुनो,
ताकत के जोर पे किसी को ना दबाएं, आप किसी की सियासी सोच को नहीं कुचल सकते, आप आर्गुमेंट पे चलें, दलील से। देखिए आवाज से बड़ा कोई हथियार तो नहीं ना, रसूल खुदा का कॉल है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। बिल्कुल, तो हमारे जो इस मुल्क के मर्द हजरात हैं वो ये सारा जिहाद किचन में अपनी औरतों के कानों में तो कर लेते हैं, बाहर आवाज उठाओ ना, हकीकत को हक बोलो। अगर तुमने इसको दहशतगर्दी करार नहीं दिया तो तुम्हारी नस्लें जहन्नुम में जिएंगी, जिनके लिए हराम कमा कमा के पाला है तुम लोगों ने। देखो क्या होता है फिर इसी खित्ते के अंदर मकाफात अमल देखोगे बहुत जल्द। ये जंग मौखिर हुई है, होगी जरूर, होगी। हाँ, हाँ, हाँ। और इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए आपके भाई, करना चाहिए ना। तो नहीं, जब आप पे तोशाखाना का मुकदमा है, फला मुकदमा है, फला मुकदमा है, फला लूट है, फला मार है, फला है, फला है, फला है, तो फिर फला का तो अंजाम सिर्फ फैसल आबदी को गिरफ्तार करना है, इसको पिंजरे में रखना है। लेट्स सी कि इमरान खान साहब की अगर दोबारा गिरफ्तारी की हुकूमत किसी तरह के मुकदमे करती है और उन मुकदमों में कोई जान होती है, मेरा ख्याल है क्योंकि जो हम देख रहे हैं उन मुकदमात को उस तरह से जिस तरह टैकल किया जा रहा है, परसू किया जा रहा है, उसमें जान दिखाई नहीं देती है फैसल आजादी साहब। नहीं है जान, मसला यह है कि परसू चोर कर रहे हैं, परसुएशन का मसला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए भी आपका सेंटर फैसल आजादी साहब। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि रियासत अहमियत की हामिल है, पाकिस्तान जैसे सेंटर फैसल आजादी भी यहाँ बैठ कर कहते हैं और हम भी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान है तो रियासत पाकिस्तान है और उसके हाथ हमने मजबूत करना है। जो कुछ हुआ है उसकी बहरहाल माफी भी मांगनी चाहिए और तायब भी होना चाहिए, लेकिन इसका यह हरगिज मकसद नहीं कि जो कुछ हुआ है उन सबको क्लीन चिट मिल जाए, इन सबका एहतसाब बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।